तो यहाँ पे तीनों मामियाँ खाना बना रही हैं। एक मामी चाय बना रही है, एक मामी बर्तन धो रही है, एक मामी पूड़ियाँ तल रही है। तो मामी आप क्या बना रहे हो? मामी कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे? बहुत खुशी हो रही है। ना ना ना, मेरे पास बहुत ज्यादा खुशी। और ये है मेरा रूम जहाँ पे सारे बच्चों ने डेरा डाल के बैठ रखे हैं सारे बच्चे। अभी हम कल ही जस्ट शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे अभी सारा सामान देख सकते हैं। अभी अनपैक हमने जरा भी नहीं कर रखा है, खाली किचन का कर रखा है खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे पूजा हो रही है, ये हमारे दो पंडित जी हैं। हाँ, तो ये हमारा मेन गेट है घर का। तो अभी ऑब्वियसली गृह प्रवेश है तो हवन हो गई, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे अभी छत में जा रहा हूँ रेता लेने के लिए। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। मतलब कल रात से लगातार बारिश ही चल रही है इसलिए इतना सुंदर सुहाना मौसम हो रखा है, नहीं तो गर्मी हो रही थी आजकल। तो अब ये रेता है, रेता को जल्दी जल्दी भरते हैं इस थैले में, उसके बाद फटाफट जाते हैं नीचे। तो हमारी मम्मी आ चुकी हैं तैयार होकर ग्लोवन वगैरह पहन के। मम्मी आपको कैसा लग रहा है भाग कर? अच्छा, अब मामी आप क्या क्या बना रहे हो साइड साइड में? पूरी बना रहे हैं प्रसाद के लिए। अच्छा, और आज कार्तिक की मम्मी ने घर ले लिया, हम इस चीज के लिए बहुत खुश हैं। तो होम टूर की वीडियो अलग से आ जाएगी क्योंकि आजकल मेरी वेकेशन भी चल रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सामान अनपैक करना है। तो उसके बाद मैं आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाऊंगा, अभी तो ये सभी देख लो आप। अंशु चला गया।
घर लग रहा है तो पूरा तो आज है पूजा से अगले वाला दिन यानी कि 26 मार्च। तो यहाँ पे हमारी मेरा नौरते का नौ की नौ व्रत है, इसलिए मैं कल वाली वीडियो में मतलब खाना भी नहीं खा पाया था क्योंकि मैं रात को ही खाता हूँ खाना और नमक जो भी खाया जाता है मतलब रात को। और ये लाइन से तोड़ने में सामान रखा हुआ है हमने यहाँ पे क्योंकि कल हवन हुआ था तो पंडित जी ने इसी में रखा हुआ था। और मंदिर अभी मम्मी लेने गई है घर पे, जो हमारा पुराना वाला घर था उस पे थोड़ा सा एक दो सामान बचे हुए हैं तो वहाँ से मम्मी अभी ला रही है, इसलिए हमने अभी यहाँ पे चौकी पे ही पूजा कर रखी है। और ये हमारा है कलश, ये हमारी त्री देवियाँ बैठी हुई है, सरस्वती माता है, दुर्गा माँ है और यहाँ पे लक्ष्मी माता है। और ये सुहाग का सामान चढ़ाना होता है ये है, और ये हमारी आरती की थाली है। और ये मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, ये मेन होती है हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में। कोई भी शुभ काम होता है तो तौली होता है छोटा बर्तन, जैसे कि ये देख रहे हो अभी तांबे का होता है, तो इसमें दिया जलाया जाता है अखंड दिया, और जब तक वो शुभ काम पूरा ना हो जाए वो दिया जलता ही रहता है। और किसी एक इंसान को फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि वो उस दिए को हमेशा उसकी केयर करे, कि मतलब दिए को बाती बढ़ाना, उसमें तेल रखना, उसकी पूजा वगैरह करना, सब एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है तब एक आदमी को। और इसमें तो जो दिया होता है दिया भी तांबे का ही रखा जाता है, गेहूँ चावल रख के इसके नीचे से, लेकिन हमको यहाँ पे मिला नहीं क्योंकि नानी हिनौला जो हमारा मार्केट है करगेत के पास में, तो वहाँ पे एक बड़ा मार्केट है उसके थोड़ा सा दूर पे मौलेखाल नाम से, तो वहाँ से मौलेखाल से हम ये तौली लाए थे और वहाँ पे हमको मिला नहीं था दिया तांबे का, इसलिए हमने मिट्टी का दिया जला रखा है। ये देख रहे हो कितनी रोशनी हो रही है, ये चावल वावल रख रखे हमने नीचे से। और यहाँ पे मैंने ये शिव जी और पार्वती माता हैं और इधर बाकी सारे देवी देवता हैं। तो ये तो होता है तौली, तौली मतलब जो छोटा वाला होता है, और एक होता है तौल, तौल कुमाऊँ में बहुत बड़ा एक बर्तन होता है, तांबे का ही होता है वो भी, पर कहीं कहीं पर जैसे गढ़वाल साइड में वो पीतल का भी होता है और वो बहुत बड़ा होता है, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो तौल नाम से। उनमें फिर पानी भर के उनमें पानी स्टोर किया जाता है, फिर पानी भर के उसको गर्म किया जाता है, और इसी का ही छोटा फॉर्म होता है तौली। तौली भी पानी भरने के काम नहीं आता है, लेकिन तौली में दिया जलाया जाता है जब कोई पूजा होती, किसी पूजा का संकल्प लिया जाता है तो ये अखंड दिया रखा जाता है इसमें। तो मेरी तो पूजा भी हो गई है, अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मेरी तो पूजा हो गई है, तो मैं अभी अपना व्रत खोल लेता हूँ। मम्मी आ रही हैं अभी और अंशु दादा है अंदर वाले कमरे में। तो होम टूर का वीडियो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेपरेट वीडियो आ जाएगा, क्योंकि अभी आप सभी को पता ही है कि शिफ्टिंग का घर है तो फिर सारी चीज़ें उथल पुथल हो रखी होती हैं। तो एक बार जब हम अच्छे से सेटल हो जाएंगे तो हम नवरात्रि के बाद, क्योंकि अभी एनर्जी भी नहीं रहेगी व्रत की वजह से, तो नवरात्रि के बाद हम एक होम टूर की वीडियो बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ कि हमारा घर कैसा है। और इसी के साथ ही अपना व्लॉग एंड करते हैं और व्रत खोलते हैं जल्दी जल्दी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना है, बता दिया करो कि कैसा लगती है आपको मेरी वीडियोस, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग कार्तिक अंकिता व्लॉग्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।